शालोम। परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए यह चैनल आपका स्वागत करता है। आज का वचन अध्ययन है प्रेरितों के काम अध्याय 11। अध्याय 11। और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। और जब पत्रस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि तूने खतना रहित लोगों में जहां जाकर उनके साथ खाया। तब पत्रस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे और यह शब्द भी सुना कि हे पतरस उठ मार और खा। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। तीन बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया और देखो तुरंत तीन मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा और ये छह भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर में गए और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर समौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीत से उतरा जिस रीत से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तुफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए वे फिरते फिरते फिनीके और कुप्रुस और अंताकिया में पहुँचे परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरैनी थे और अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तब उन पर चर्चा यरूशलेम की कलिशिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तर्शुस को चला गया और जब वह उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन दिनों में कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आए उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे
और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। अध्याय 12। उस समय हेरोदेस राजा ने कलिशिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यहुन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उससे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुल गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, परन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहल और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। और यह सोचकर कि वह उस यहुन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदी नाम एक दासी सुनने को आई और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। तब उसने उन्हें हाथ से शयन किया कि चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को यह बात कह देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं और वह यहूदिया को छोड़ कैसरिया में जा रहा। और वह सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, सो वे एकचित होकर उसके पास आए और बलस्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मना कर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्या देने लगा और लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की और वह कीड़े पड़ के मर गया, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जब बरनबास और शाउल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यहुन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। अध्याय 13। अंताकिया की कलिशा में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकुइस कुरैनी, और देश के चौथाई के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरी निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो
जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदिया की आराधनालय में सुनाया और यहुन्ना उनका सेवक था और उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नाम एक यहूदी टोनहा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह सिर गयुस पौलुस सुबेदार के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाउल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोनहे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सुबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा, परंतु तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब सुबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और यहुन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया और पिरगा से आगे बढ़कर के पिसदिया के अंताकिया में पहुंचे और सप्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए और व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के पढ़ने के बाद सभा के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से शयन करके कहा, हे इसराइलियों और परमेश्वर के डरने वालों, सुनो। इन इसराइली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया और जब थे मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया और वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मीरास में कर दिया। इसके बाद उसने समूएल भविष्यता तक उनमें न्यायी ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीस के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य ईसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यहुन्ना ने सब इसराइलियों को मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार किया। और जब यहुन्ना अपना दौर पूरा करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पाँव की जूती मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो इब्राहिम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उसके सरदारों ने ना उसे पहचाना न भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती हैं, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए, और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया।
और वह उन्हें जो उनके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे भी उसके गवाह हैं। और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी वह कभी ना सड़े। उसने यो कहा है कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूँगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों से जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यवक्ता की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े कि हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीति ना करोगे। उसने उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुतेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अगले सप्ताह के दिन नगर में प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैल गया, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को आए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। अध्याय 14। इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों की आराधनालय में साथ साथ गए और ऐसी बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु ना मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाया और बिगाड़ कर दिए, और वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर क्रियाओं से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे कितनों तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन्हें पत्थरवाह करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा
और दिर्बे नगरों में और आसपास के नगर में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था और इसको उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस को का यह काम देखकर लुकाउनिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरेमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर से बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए देख तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिर्बे को चला गया और वे नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे कि यह उपदेश देते रहे, और हम बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। और पिस्तिया से होते हुए पंफूलिया में पहुँचे और पिर्गा में वचन सुनाकर अतालिया में आए और वहाँ से जहाज से अंताकिया में आए, जहाँ से वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपे गए। तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठा की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। अध्याय 15। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीत पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। सो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनी के और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फेरने का समाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनंदित किया। जब यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनके आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कितनों ने
उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें, और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सके थे और ना हम उठा सकते। हाँ, हमारा यह तो निश्चय है कि जिस रीत से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीत से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुप होकर बरनबास और पौलुस की सुनने लगी और परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे चिन्ह और अद्भुत अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा कि हे भाइयों, मेरी सुनो। समोन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की और उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले, और इससे भविष्यताओं की बातें मिलती हैं कि जैसा लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उनके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। या वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा यह विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उन्हें हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से परे रहें, क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वह सब सप्त के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती हैं। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कई मनुष्य को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया था, उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजे और उनके हाथ यह लिख भेजा कि अंताकिया और सूर्या और किलकिया में रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए, परंतु हमने उनकी आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने इच्छित होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्यारे बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं, और हमने यहूदा और सीलास को भेजा है जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को जो और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले कि तुम मूर्तों के बलि किए हुए मुंह से और लोहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। फिर वे विदा होकर अंताकिया में पहुंचे और सभा को इकट्ठा करके वह उन्हें पत्री दे दी और वे पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए, और यहूदा और सीलास ने जो आप भी भविष्यता थे बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए और अपने भेजने वालों के पास जाए, परंतु सीलास को वहाँ रहना अच्छा लगा और पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफूलिया में उनसे अलग होकर गया था और काम पर उनके साथ ना गया,
साथ ले जाना अच्छा ना समझा। सो ऐसा टंटा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास और मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपा जाकर वहां से चला गया और कलिशियाओं को स्थिर करता हुआ सूर्या और किलकिया से होते हुए निकला। परमेश्वर इन 5 अध्यायों के माध्यम से आपको बड़ी आशीष दे, जिसमें कि बहुत गहराइयों से अध्ययन किया गया। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की।